स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टेंगे आप कैसे कम्यूनल पॉलिटिक्स कम्यूनल मीन्स हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम्स या उसमें कम्यूनल भाव देना या कट्टरपंथी कह सकते हैं इस वर्ड को कम्युनल पॉलिटिक्स कैसे डेवलप हुआ मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स ऑफ 1909 वेयर द बिगिनिंग ऑफ कम्युनल इलेक्शंस ऑफ कम्युनल सिस्टम मिंटो मॉर्ले एक वो लेके आए रिफॉर्म्स मतलब ऐसे कुछ कानून जिससे कम्युनल सिस्टम को बढ़ावा मिला उसमें उन्होंने क्या किया कि Uh, जो भी इलेक्शन होते हैं उसको उन्होंने रिजर्व कर दिया रिजर्व कर दिया किस किस रूप में uh, आपके मुस्लिम्स का अलग सीट इंडियन क्रिश्चियंस का अलग सीट बेलो uh, um, uh, जो कास्ट हैं नीचे जाति के लिए अलग सीट इससे क्या हुआ कि इन सब में एक डिविजन बन गया एक uh, सब अब खुद को अलग अलग सोचने लगे कि मुझे पांच सीट मिली है तो मुझे छह मिलनी चाहिए यह को लेकर वो अपने अपने कम्युनिटी में फिक्स हो गए अब इंडियन भारतीयता चीज वो वो खत्म करना चाहते थे ओके okay, रीड कर ले बिटवीन ट्वेल्व टू ट्वेंटी फोर देयर वॉज इंफ्लुएंस ऑफ नेशनलिस्ट मुस्लिम ऑन द मुस्लिम लीग नेशनलिस्ट मुस्लिम लाइक मौलाना अबुल कलाम आजाद हाकिम अजमल खान मोहम्मद अली जिन्ना देखिए तीन नाम हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद हाकिम अजमल खान और मोहम्मद अली जिन्ना बाद में जो कि मोहम्मद अली जिन्ना को हम आ, मुस्लिम लीग के बड़े नेता के रूप में जानते हैं लेकिन वो नेशनलिस्ट मुस्लिम थे राष्ट्रीयतावादी मुस्लिम थे सेकुलर थे वो आ, कम्युनल नहीं थे पहले वेयर ऑन द हेम ऑफ अफेयर्स ऑफ़ द मुस्लिम लीग बिकॉज ऑफ दिस द कांग्रेस इन इट्स लखनऊ कन्वेंशन ऑफ नाइन एक्सेप्टेड द कम्युनल इलेक्शन सिस्टम कांग्रेस ने भी इस कम्युनल इलेक्शन सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया था कि मुस्लिम को कुछ सीट मिल मुस्लिम लीग को कुछ सीट मिले कांग्रेस को कुछ सीट्स मिले और जो भी इनका मिनटो मॉडले रिफॉर्म्स का था वो कांग्रेस uh, ने एक्सेप्ट कर लिया था आफ्टर दैट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बेसिस ऑफ कम्यूनल हार्मनी केम इन टू एन एंड जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंशन सस्पेंशन कर दिया गया गांधी जी ने जो वापस ले लिया वो एक बड़ा इश्यू था वो जब उन्होंने वापस लिया तो अब कम्यूनल हार्मनी जो थी क्या कहते है? सद्भावना दो धर्मो धार्मिक लोगों के बीच जो सद्भावना थी हिंदू मुस्लिम के बीच वह खत्म होने लगी सेवरल कम्यूनल राइट्स राइट्स भी है 1922 टू 227 के बीच में फिर नए-नए ऑर्गेनाइजेशंस बने ये ऑर्गेनाइजेशंस पहले नहीं थे फर्स्ट हिंदू महासभा ऑर्गेनाइज़ हुआ फिर डेवलपमेंट ऑफ प्यूरिफिकेशन द मुस्लिम्स आल्सो ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट लाइक जंजीर मुस्लिम्स ने जंजीर मूवमेंट स्टार्ट किया एंड तबलीग स्प्रेड इस्लाम इस्लाम धर्म का प्रचार भी शुरू किया लीडर्स लाइक like लाला लाजपत राय एंड मदन मोहन मालविया एसोसिएटेड विद द हिंदू महासभा उन्होंने हिंदू महासभा स्टार्ट की आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस आरएसएस की स्थापना भी डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार ने भी कर दी ये सारी संस्थाएं क्या है ये कम्युनल संस्था है मतलब धार्मिक धर्म से रिलेटेड संस्थाए ये पहले इंडिया में नहीं थी वह कब शुरू हुई आफ्टर नॉन को मूवमेंट

कोई मीटिंग हुई तो लीग के लीडर जो थे जिन्ना के साथ लीग के अदर मेंबर्स के जो मत थे वो नहीं मिले और जिन्ना कहते लंदन चले गए द पब्लिकेशन ऑफ नेहरू रिपोर्ट इन नाइनटीन ट्वेंटी रिपोर्ट दैट साव द हिंदू इंटरेस्ट बाय जिन्ना द कांग्रेस इन्वाइटेड कम्युनल मुस्लिम लीडर्स फॉर टॉप नेहरू ने 1928 में रिपोर्ट पेश की और उसमें ऐसा था कि जो जिन्ना थे वो हिंदुओं का भी हिंदू के भी इंटरेस्टेड थे मतलब हिंदुओं के भलाई के लिए भी इंटरेस्टेड थे मतलब ये नेशनलिस्ट थे ना तो कांग्रेस में मुस्लिम लीडर्स जो कम्युनल मुस्लिम लीडर्स थे उनके उनसे कांग्रेस बात करने के लिए उत्सुक हुआ द नेशनलिस्ट मुस्लिम लीडर्स द हिंदू एंड मुस्लिम अपोज द ब्रिटिश फ्रॉम द कॉमन प्लेटफॉर्म नेशनल मुस्लिम लीडर चाहते थे जो राष्ट्रीय राष्ट्र को प्रेम करने वाले जो मुस्लिम लीडर्स थे वो चाहते थे हिंदू और मुस्लिम एक प्लेटफॉर्म पर तो एकता बनाए वो प्लेटफॉर्म क्या था ब्रिटिश का विरोध करना ब्रिटिश के अगेंस्ट जाने की जो बात थी वो दोनों के लिए कॉमन थी आजादी दोनों को चाहिए थी इस प्लेटफॉर्म पर चाहते थे नेशनलिस्ट मुस्लिम्स कि हम हिंदू मुस्लिम एक हों बॉयकॉट एंड सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट बट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अगेन द कम्युनल लीडर्स फॉट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ देयर कम्युनिटी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि गांधी जी को बुलाया गया था और भी लीडर्स को बुलाया गया था जिसमें उस कॉन्फ्रेंस में भी अपने अपने स्वार्थ के लिए हमारे नेता लड़ पड़े हिंदू और मुस्लिम ऑन सिक्स नाइनटीन थर्टी टू ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मैकडोनल्ड गॉड द कम्यूनल पंचक उन्होंने ये चीज नोट कर ली ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मैकडोनल्ड ने एक कम्यूनल पंचक पब्लिश किया जिसने हिंदू और मुस्लिम को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया इन द पंचत अलोंग विद द मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट ये पंचत में क्या था सेपरेट इलेक्टोरेट वॉज प्रोवाइडेड फॉर द सिख इंडियन क्रिश्चियंस एंड द बैकवर्ड क्लासेस इससे हम बट गए ये अलग अलग इलेक्टोरेट हमें रिजर्व किया गया हमें दिया गया कि आप यहां से लड़ेंगे कौन कौन सिखों को अलग इंडियन क्रिश्चियंस को अलग मुस्लिम्स को अलग और बैकवर्ड क्लास को अलग इन द इलेक्शन ऑफ 1937 कांग्रेस गॉट गुड सक्सेस 1937 के इलेक्शन में कांग्रेस को जो सक्सेस uh, मिली वो अच्छी थी और मुस्लिम लीग को नहीं मिली उसमें भी कांग्रेस और लीग के रिलेशंस कड़वे होते चले गए अब जिन्ना वापस आए और उनका एटीट्यूड कांग्रेस वाज हेल्पलेस बिफोर द ऑब्सटेन एटीट्यूड ऑफ जिन्ना जिन्ना का एटीट्यूड था वो बदला हुआ था लेटर ऑन मुस्लिम लीग क्लेम्ड द मुस्लिम आर नॉट अ कम्युनिटी बट अ नेशन बाद में जो मुस्लिम लीग थी उसने ये कहा कि अब मुस्लिम लीग किसी कम्युनिटी की नहीं है कम्युनिटी नहीं है वह एक देश बराबर है उसे एक नया देश चाहिए ऑन थर्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट विदाउट टेकिंग द कांग्रेस कैबिनेट मेंबर्स इनटू कॉन्फिडेंस जब आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो हमारे यहां से सैनिक गए सैनिक जब गए तो कांग्रेस के किसी भी लीडर से भारतीय किसी भी लीडर से अंग्रेजों ने पूछना भी गवारा नहीं समझा इससे कांग्रेस खफा भी हुई और उन्होंने कहा कि आपके मतलब थोड़ा तो हमें पता होना चाहिए वेन द ब्रिटिश डिड नॉट क्लैरिफाइ दे पर जब ब्रिटिश ने कुछ नहीं कहा तो कांग्रेस कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द एट रिजाइन आठ लोग रिजाइन हो गए जिन्ना बड़े खुश हुए और उस दिन को उन्होंने ट्वेंटी सेकेंड दिसंबर नाइनटीन थर्टी नाइन को उन्होंने लिबरेशन डे घोषित किया डिमांड फॉर पाकिस्तान बाई द लीग द आइडिया ऑफ सेपरेट नेशन पाकिस्तान पाकिस्तान बनाने का जो आइडिया था वह बहुत नया नहीं था उनके दिमाग में बहुत दिनों से ही यह आइडिया पल रहा था अब यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यह ग्रेजुअली सबके जुबान पर भी आने लगा इट ग्रेजुअली डेवलप्ड इन देर माइंड इन द इलाहाबाद कन्वेंशन मुस्लिम लीग इन 1930, 1930, 1930 के इलाहाबाद मुस्लिम लीग का भी कन्वेंशन था कन्वेंशन में सभा में डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ये नाम है जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखी है डॉक्टर मोहम्मद अकबर इकबाल जो थे वह कम्युनल थे मतलब तो कट्टरपंथी थे उनका बहुत मन था कि पाकिस्तान बने

डिमांड कर दी इन मुस्लिम लीग इन इट्स कन्वेंशन मेड फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान बनने की पूरी तरह से Madras convention में तैयारी शुरू कर दी इन 1942 द क्रिप्स मिशन वाई सपोर्टिंग द क्लेम ऑफ पाकिस्तान एडेड फ्यूल टू द फायर क्रिप्स मिशन आया 1942 में और उसने तो आग में Uh, गी का काम किया द कांग्रेस ऑफ पार्टीशन ना हो इंडिया का पार्टीशन ऑफ इंडिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मिस्टर चर्चिल ब्रिटिश रूल बट इट वॉन्टेड दैट मिस्टर चर्चिल द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर शुड मेक एप्लीकेबल द एटलांटिक चार्टर टू इंडिया ऑल्सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे वहां के मिस्टर चर्चिल उन्होंने एक एटलांटिक चार्टर इंडिया के लिए बनाया एंड शुड मेक द डिक्लेरेशन विथ रिगार्ड टू गिविंग फ्रीडम टू इंडिया और उन्होंने तैयारी कर ली कि इंडिया को फ्रीडम दे देंगे चर्चिल वॉज नॉट विलिंग टू मेक सच एन अनाउंसमेंट विथ द रिजल्ट देयर वॉज अ हिंड्रेंस इन द टॉक्स बिटवीन द टू पार्टी चर्चिल ने ये बात अनाउंस नहीं की और क्योंकि में थी दो पार्टी से बात करने के लिए कुछ रुकावटें थी इनिशियली द पोजिशंस ऑफ द ब्रिटिश वॉज नॉट गुड ऑन द वॉर फ्रंट वॉर फ्रंट्स में भी ब्रिटिश की जो पोजिशन थी वह उतनी अच्छी उस टाइम नहीं थी वॉर चल रहा था जापान इन द साउथ ईस्ट एशिया वाज गेटिंग स्ट्रॉन्गर जापान उधर स्ट्रांग था अंडर द सरकमस्टेंसेस चर्चिल वांटेड इंडिया कोऑपरेशन इन द वॉर एंड मेड अ डिक्लेरेशन टू सेंड सर स्टेफर्ड क्रिप्स टू इंडिया चर्चिल चाहता था कि इंडिया सपोर्ट करे वॉर में तो वो सपोर्ट तो मिल रहा था उसी दौरान चर्चिल ने सर स्टेफर्ड क्रिप्स को इंडिया भेजा क्रिप्स इंडिया है ट्वेंटी सेकेंड मार्च नाइनटीन फोर्टी टू में और उन्होंने दो प्रपोजल्स रखे ड्यूरिंग वॉर और आफ्टर पोस्ट वॉर पोस्ट ये कांग्रेस ने टोटली मना कर दिया सेटिस्फाइड नहीं थे क्योंकि क्रिप्स का जो वो था प्रपोजल था वो था कॉलोनियल रूल मतलब हम पूरी तरह आजादी नहीं देंगे हम कुछ लोग यहां पर इंडिया में रहेंगे लेकिन आ, इंडिया आजाद हो जाएगा ये कांग्रेस को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कांग्रेस टोटल इंडिपेंडेंस चाहती थी द लीग वॉज नॉट सेटिस्फाइड लीग भी सेटिस्फाइड नहीं था क्योंकि क्लियरली कुछ मेंशन नहीं था पाकिस्तान के लिए लॉर्ड वेविल उसके बाद क्रिप्स मिशन तो फेल हो गया क्रिप्स मिशन किसी को भी पसंद नहीं आया उसके बाद आए लॉर्ड वेविल गवर्नर जनरल बनकर आए 1943 में वे विल वॉन्टेड टू तो सॉल्व दिस इशू वे विल चाहते थे ये इशू जो है वो सॉल्व हो जाए द प्लान विच ही पुट फॉर फोर्थ गेव क्लियर इंडिकेशन दैट द ब्रिटिश रूल वॉन्ट्स टू एंड दिस पोलिटिकल डेडलॉक एंड टेक पॉजिटिव स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन ब्रिटिश रूल जो है कि वो ये पॉलिटिकल रुकावटें वो नहीं पसंद कर रहा है वह कुछ पॉजिटिव स्टेप्स चाहता है लॉर्ड वेवल ने कहा अ कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन लीडर्स वाज ऑर्गेनाइज्ड इन शिमला इन ट्वेंटी जून 1945 टू डेलीबरेट ओवर द्लैंट ऑफ पुट फोर्थ बायल वेवल के सामने इंडियन लीडर्स uh, का एक कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें विवेल के सामने रखा गया कि क्या वो करेंगे इट वाज डिसाइडेड दैट देयर वुड बी अ सेंट्रल कैबिनेट कंप्राइजिंग फोर्टीन मेंबर्स आउट ऑफ विच चौदह लोगों को उस कमेटी में कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया जिसमें पांच कांग्रेस के थे पांच मुस्लिम लीग के और चार जिसे वायसराय ने खुद नॉमिनेट किया था वायसराय रिक्वेस्टेड टू तो कांग्रेस एंड द लीग टू तो प्रपोज एट टू तो ट्वेल्व नेम्स और वाइसराय ने ये भी कहा था कि कांग्रेस को लीग को कि तुम आठ से बारह नेम्स और दो द लिस्ट विच कांग्रेस सेंट इंक्लूडिंग टू मुस्लिम्स और जो लिस्ट कांग्रेस ने भेजी उसमें दो मुस्लिम नाम भी थे जिन्ना ये नहीं पसंद कर रहे थे जिन्ना चाहते थे कि मुस्लिम नेम्स जो हों वो सारे लीग की तरफ से हों जिससे जिन्ना ये प्रूफ कर सके कि जो कांग्रेस है वह हिंदू पार्टी ड्यू टू नॉन कॉपरेशन ऑफ लीग शिमला कॉन्फ्रेंस फेल्ड और इससे लीग का कोऑपरेशन नहीं था तो शिमला कॉन्फ्रेंस जो था वो फेल हो गया लेकिन वेवल ने जो बीज था वो क्या कहते कम्युनल बीज वो बो दिया मनो में मन में तो बीज था ही पहले से ही और वेवेल को भी समझ में आ गया कैबिनेट मिशन Uh, after the failure of Shimla Conference, the new government of Labour Party sent a delegation to India to assess the situation. The British Parliamentary delegations recommended, in its report, that power by, uh, be transferred to India immediately. Uh, uh, after the Shimla uh, meeting or conference failure, hone ke Labour Party, जो uh, British पार्लियामेंट थे उन्होंने एक और वो भेजा क्या कहते हैं डेलीगेशन भेजा डेलीगेशन मीन्स लोगों की एक ग्रुप जो कि इंडिया को पूरी तरह से पावर दे दे मतलब आजादी दे दे अंडर द द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड एटली अब लॉर्ड चर्चिल चले गए अब प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए लॉर्ड एटली उन्होंने एक कैबिनेट मिशन इंडिया भेजा और किस तरह से आप अप, अपनी पूरी पावर जो है अंग्रेजों की जो पावर है वह पूरी तरह से हमें मिल, मिलेगी उसकी प्रोसीजर उन्होंने स्टार्ट कर दी स्टार्ट की और वो थे लॉर्ड माउंटबेटन माउंटबेटन प्लान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन आए ट्वेंटी थर्ड मार्च नाइनटीन फोर्टी सेवन में और उन्होंने आफ्टर प्लेस ऑफ लॉर्ड वेब और उन्होंने ये सोच लिया कि आप इंडिया को पावर दे दिया जाएगा साथ में पाकिस्तान भी बनेगा द फैक्टर्स विच वे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया वेयर हेल्पलेसनेस ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट एंड द कांग्रेस कांग्रेस और इंटरिम जो गवर्नमेंट थी दोनों ही इस पाकिस्तान बनने से रोकने में समर्थन मतलब वो थे ही नहीं ताकत उनमें थी ही नहीं कि वह पाकिस्तान बनने से रोक सके सीरियस कम्युनल राइट्स आसपास सारे जगह पर बहुत लड़ाइयां राइट्स शुरू हो गए थे ऑब्स्टिनसी ऑफ मुस्लिम लीग एंड ब्रिटिश डिप्लोमेसी ब्रिटिश डिप्लोमेसी मुस्लिम लीग तो उन्होंने बना दी अपनी तरफ से और बहुत उनको चढ़ाया पहले तो ऊपर और अब पाकिस्तान बनने से इसीलिए वो रोक नहीं सके द प्लान प्रेजेंटेड बाय माउंटबेटन कंपराइज्ड पार्टीशन

मुस्लिम लीग वॉन्टेड होल ऑफ बेंगाल आसाम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पूरा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर बेंगाल और आसाम चाहता था प्रोविंस टू बी मस्ड इन पाकिस्तान बट हैड टू येल्ड टू द प्रेशर ऑफ मॉंट बटन एंड एक्सेप्टेड हिस्स प्लान मॉउंटन ने ये नहीं होने दिया और उन्होंने ये प्लान एक्सेप्ट कर लिया इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन फोर्टी सेवन

वहां के रहने वाले लोग जो एरिया पाकिस्तान को दिया गया है वहां के रहने वाले लोग क्या चाहते हैं इंडिया के साथ रहना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं ये उनके हिसाब से हो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ बोथ द स्टेट विल हैव द राइट टू फॉर्मुलेट देयर कॉन्स्टिट्यूशन और लेजिस्लेटिव असेंबली को कहा गया कि अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया वॉज टू बी एबॉलिस्ड जो इंडिया का सेक्रेटरी वाला पोस्ट था वो एबॉलिश कर दिया गया और अब उसकी जगह पर सेक्रेटरी ऑफ द कॉमनवेल्थ बी अपॉइंटेड ये किया गया अब मॉडलिटीज़ ऑफ पार्टीशन अब पार्टीशन के जो एरियाज थे उसका आ, जो आ, डिसीजन कौन लेगा पाकिस्तान चाहेगा ज्यादा से ज्यादा इंडिया चाहेगा कम से कम तो एक व्यक्ति आए वो थे सर सेरिल रेड उन्होंने लॉट ऑफ प्रॉब्लम फेस करते हुए भी डिमार्केशन ऑफ बॉर्डर बॉर्डर का मार्किंग उन्होंने कर दिया और पर द ऑन 18 फोर्टी सेवन रेडक्लिफ गेव हिज डिसीजन ऑन द डिविजन ऑफ बंगाल एंड पंजाब एंड अकॉर्डिंगली इट वॉज इम्प्लीमेंटेड एज पर द रेडक्लिफ प्लान ईस्ट बंगाल एंड एरियाज ऑफ वेस्ट पंजाब Went to Pakistan, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के पास चला गया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान को दे दिया गया मर्जर ऑफ द स्टेट्स और हमारे देश में ढेर सारे स्टेट्स ऐसे थे जो राजाओं के अधीन थे उसको मर्ज करने का काम किसने किया सरदार वल्लभ भाई पटेल उन्होंने बात कर करके ये चीज की अब कुछ स्टेट्स जो थे वह इसमें शामिल होने के लिए तैयार नहीं हुए वो थे जूनागढ़ हैदराबाद भोपाल एंड कश्मीर पहले जूनागढ़ ने कहा कि वो इंडियन यूनियन के साथ मर्ज नहीं होना चाहता वहां की पब्लिक मर्ज होना चाहती थी लेकिन नवाब साहब नहीं होना चाहते थे तो फिर पब्लिक के थ्रू जूनागढ़ तो आ गया अब निजाम ऑफ हैदराबाद वो भी अकेले रहना चाहते थे और मर्ज नहीं होना चाहते थे इंडियन यूनियन के साथ तो हमें ताकत दिखानी पड़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया और वो मर्ज हो गए हैदराबाद एंड द रजाकर्ट्स हैड टू सरेंडर लड़ाइयां हुई और हैदराबाद की आर्मी ने सरेंडर कर दिया भोपाल में नवाब द मर्ज ऑफ भोपाल इनटू इंडियन यूनियन कुड भी पॉसिबल ओनली इन नाइनटीन 49 में जाके भोपाल हमारे देश के साथ मर्ज हुआ महाराजा ऑफ कश्मीर कश्मीर का अलग था कि महाराजा ऑफ कश्मीर हिंदू थे वह चाहते थे कि उनका भी राज अलग चले और उन्होंने वहां की जनता को देखते हुए वहां उसको एक अलग देश घोषित कर दिया और प्राइम मिनिस्टर किसे बना दिया शेख अब्दुल्ला को उनकी फैमिली आज भी चल रही है उनके शेख अब्दुल्ला फादर थे किसके फारूक अब्दुल्ला के फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं उमर अब्दुल्ला शेख अब्दुल्ला को प्राइम मिनिस्टर बना दिया वहां की जनता इससे बिल्कुल खुश नहीं थी नहीं वहां के जो राजा थे आजाद कश्मीर वाज अपोस्ट टू द न्यू गवर्नमेंट आजाद कश्मीर ने न्यू गवर्नमेंट को अपोज करना शुरू कर दिया क्योंकि वह पाकिस्तान से सिंपैथी मिल रही थी उनको अब पाकिस्तान एक्सटेंडेड फुल सपोर्ट टू द कबाइलीस वहां के लोगों को सपोर्ट करने लगा पाकिस्तान तो बाद में एक तिहाई कश्मीर पाकिस्तान के पास चला गया और दो तिहाई कश्मीर हमारे यहाँ मिक्स हो गया और बाद में इंडियन यूनियन के साथ जम्मू एंड कश्मीर मिक्स होके एक स्टेट बना